हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइप ऑफ एडवर्ब्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब को अलग से पढ़ाया भी है। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टोटल नंबर ऑफ एडवर्ब के टाइप होते हैं 8। उनमें से हम लोग पहली स्लाइड में कुछ तीन कुछ पढ़ेंगे, दूसरी स्लाइड में कुछ पढ़ेंगे और जो बचेंगे वो लास्ट स्लाइड पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड एडवर्ब की। एडवर्ब का फर्स्ट नंबर टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो मैनर्स शो करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन परफॉर्म, यानी इसमें बताएगा कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है। तो वहां पे क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल देखना है तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी कि अगर गाना गाया है तो कैसा गाया, ब्यूटीफुली यानी अच्छा गाया। तो यहाँ पे एक्शन कैसा परफॉर्म हुआ है, अच्छा परफॉर्म हुआ, तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। दूसरा देखना है एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा, इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन अकर, इंडिकेट करे कि कोई भी एक्शन कब हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखना, वी विल मीट, मिलेंगे कब, टुमारो, तो टुमारो क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखना एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, इंडिकेट्स वेयर एन एक्शन अकर, इंडिकेट करना कि एक्शन कहां पे अकर हुआ है, वहां पे क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा ही लुक्ड एवरीवेयर, वो कहां देख रहा था, एवरीवेयर, हर हर तरफ उसने देखा, चारों तरफ यानी सभी तरफ देखा, तो एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली स्लाइड में कुछ और इम्पोर्टेंट इसके पार्ट पढ़ेंगे। आइए हम लोग इस स्लाइड में कुछ और अलग टाइप पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। देखिए सबसे अलग टाइप कौन सा, दूसरा मतलब कुछ और टाइप्स जो होंगे एडवर्ब के बारे में। चौथा नंबर के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंडिकेट्स हाउ ऑफ्टन एन एक्शन अकर, इंडिकेट करेगा कि कोई भी एक्शन कितनी बार अकर हुआ है, तो वहां पे क्या होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिकेट करता है हाउ ऑफ्टन, कितनी बार कोई एक्शन क्या हुआ अकर हुआ है। जैसे एग्जांपल पे सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली, सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली, तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कितनी बार, ऑलवेज तो हमेशा। पांचवा नंबर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यहाँ पे क्या शो होगा, डिग्री शो होगा, इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ और डिग्री ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव, क्या करता है इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, इंटेंसिटी यानी कितनी बार, डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव, यानी कि एक्शन और एडजेक्टिव की क्या इंडिकेट करेगा, इंटेंसिटी इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आई एम वेरी हैप्पी, मैं कितना खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो यह वेरी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के अंतर्गत आएगा। फिर लास्ट सिक्स नंबर देखते हैं, सिक्स नंबर में क्या है एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, पर्पस यहाँ पढ़ने में भी आ रहा है, क्या है पर्पस है, तो इंडिकेट द रीजन ऑफ एन एक्शन, इंडिकेट करता क्या करता है, इंडिकेट रीजन करता है किसका, ऑफ फॉर एन एक्शन, एक एक्शन क्या करता है रीजन इंडिकेट करता है कि ये एक्शन किस लिए हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं शी ही स्टडी हार्ड टू सक्सीड, वो स्टडी करता हार्ड क्या के लिए, स्टडी हार्ड करना फॉर सक्सीड होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ पर्पस तीनों अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और जो बचे हुए इसके एडवर्ब के पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट के बचे दो टाइप और एडवर्ब के बारे में। सबसे लास्ट के सेकंड लास्ट टाइप क्या है कि एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी मतलब जो निश्चितता, एक्सप्रेस द लेवल ऑफ सर्टेनिटी अबाउट एन एक्शन, किसी भी एक्शन की सर्टेनिटी का जो लेवल है वहां पे जो शो होता है वहां पे क्या होगा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होगा। जैसे एग्जांपल दिया शी विल डेफिनेटली कम, तो आने का जो जो सर्टेनिटी आने की वो कितनी, डेफिनेटली मतलब 100%, तो यहाँ पे क्या होगा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी हो जाएगा। आठवां नंबर है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव क्या होता है इंट्रोड्यूस अ क्लास और कनेक्ट टू इट्स प्रीवियस क्लास, यानी एक क्लास को दूसरी क्लास से इंट्रोड्यूस कराने क्या होता है रिलेटिव एडवर्ब होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि क्लास होता है सब्जेक्ट और वर्ब के मिक्सचर को क्लॉज बोलते हैं, जितने सब्जेक्ट जितने वर्ब उतनी क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी मेट, मुझे याद है यार जब हम मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी और रिलेटिव एडवर्ब दोनों अच्छे समझ में आ गए होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो किसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।